अहम दिख रहा? अहम, तुमने पुलिस से बात की? उस मैथिली के बारे में कुछ पता चला? मम्मी ने अभी भी बात की, लेकिन उस औरत का कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर भी पुलिस का कहना है कि आज शाम तक कैसे भी करके वो उस औरत को ढूंढ निकालेंगे। कृष्ण भगवान करे वैसा ही हो। अहम, मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी करके मुझे इस घर से भाग नहीं होगा, लेकिन कैसे? अब मॉम, मैं जरा ऊपर रूम में जाके आता। माँ जी, मैंने धवल भाई को फोन कर दिया है। उन्होंने कहा है वो सब समय से यहाँ पहुंच जाएंगे। थैंक गॉड, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ा, वरना वो मुझ पे नाराज हो जाएंगे। किंजल, माँ मैं वो गीजर ऑन छोड़ा है, मैं ऑफ करके आती हूँ। तुम लोगों के जाने की सारी तैयारियां हो गई? जी काकी जी। मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आएगी, पर कोई बात नहीं, एक साल का ही तो समय है, देखते देखते बीत जाएगा। और तब तक हमारे पास ये है। ये क्या है परिधि? कुकी आंटी, ये हम कुकी बहन अहम जीजू और बच्चों के साथ रह नहीं पाएंगे, लेकिन हम उन्हें देख पाएंगे, सुन पाएंगे और उनके साथ ढेर सारी बातें भी कर पाएंगे। वो कैसे? हमें सिर्फ इतना सा काम करना है कि हमें लैपटॉप को वीडियो कॉन्फ्रेंस पे सेट करना है, और उसके बाद हम कैमरे के थ्रू इन्हें देख भी पाएंगे और इनसे बातें भी कर पाएंगे। खुशी हो। थैंक यू आंटी। तो इसका तो यही अर्थ हुआ कि तुम चारों मेरी नजर से दूर हो ही नहीं सकते। तुम्हारी शरारतें, मेरी ढींगली का भोलापन, मेरी गोपियों की सादगी, मासूमियत मैं अच्छी तरह से देख सकती हूँ, है ना? और अहम दिख रहा, वो तो जन्म से आज तक मेरी नजर के सामने ही रहा है और हमेशा रहेगा। चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ। मेरा अहम दिख रहा रो रहा है? नहीं बेटा, रोते नहीं। तुम तो शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, और फिर एक साल का ही तो प्रश्न है, अरे यूं बीत जाएगा। ने बीजी बात, मेरी गोपियों को यदि तुमने डांटा या उस पर चिल्लाए तो 24 घंटे के अंदर अमेरिका पहुंच जाऊंगी और तुम्हारे कान मरोड़ूंगी। धवल जी मेरे सामने आएंगे तो मैं क्या करूंगी? वैसे तो सच में मैं उनके साथ जाना ही नहीं चाहती। बिना सोचे समझे मुझे उठा के सीधे एक चाटा मार दी। जो इंसान मेरी फई की इज्जत नहीं कर सकता, मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा।
मामी आपके बहुत याद आएंगे। मुझे भी बहुत याद आएगी। आप भी ऐसे उदास हो जाएंगे तो हम जा कैसे सकेंगे? प्लीज पापा जी शांत हो जाएंगे। नहीं होगी वो, तुम्हारे पापा जी शांत नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा कष्ट तो उन्हें पहुंच रहा है। तुम नहीं समझी? लो, एक तुम ही हो जो उन्हें चीनी वाली चाय पिलाती हो। अब तुम चली जाओगी तो उन्हें चीनी वाली चाय, और मैं तो उन्हें चीनी वाली चाय देने से रही। दरअसल ये चाय के लिए रो रहे हैं, तुम लोगों के लिए नहीं। जय श्री कृष्ण धवल जी। आई पप्पू, मम्मी, मेरा बच्चा। ए धवल, तू वहां कहां जा रहा है? तेरी धनियानी खुद से तो हमें मिलने नहीं आई, ना ही जय श्री कृष्ण कहा। तू है कि बेशर्मों की तरह उसे मिलने जा रहा है? भाई देख देख कैसे तेरी धनियानी तुझसे और तेरे परिवार से मुंह मोड़े जा रही है, और तुझे अपनी इज्जत की जरा भी पड़ी नहीं है। परी जी, आज इसे तुम ही तैयार करना। बिल्कुल परी, बच्चे को तुम ही तैयार करना होगा। ठीक है जीक्स, आप दोनों कह रहे हो तो बेबी को मैं ही रेडी करूंगी। इसे कोई भी तैयार करे, मुझे तो बस इतना मौका मिले इसे मैं यहाँ से लेकर भाग जाऊं। देवर जी चलिए, हमें नीचे भी बहुत सारे काम हैं। जय श्री कृष्ण कोकिलाबेन। जय श्री कृष्ण। दोबारा दादी बनने के लिए खूब खूब बधाई। आइए बैठिए। जाने दीजिए ना भाई, मैंने किंजल जी पे गुस्से में हाथ उठा दिया, मुझे भी तो उनसे माफी मांगनी पड़ेगी ना। हाँ, अरे चुप, वो तो एपच बोलती थी। तू जान अंतरी धनियानी। फई चाहे जो कुछ भी कहे, पर मुझे एक बार तो किंजल जी से बात करनी है। बच्ची का नाम तो फही रखे ही। मैंने कोई नाम सोचा नहीं उसे। किंजल? ऐसे कैसे? रिवाज के अनुसार बुआ ही संतान का नाम रखती है। जी माँ, पर कोकी आंटी, इफ यू डोंट माइंड, मैं अपनी बेटी का नाम किसी और से रखवाना चाहती हूँ। हाँ कहो। मैं अपनी बेटी का नाम उस इंसान से रखवाना चाहती हूँ जिसने मुझे सब कुछ दिया, मेरे पति, मेरी बेटी, यहाँ तक कि जब आप सबने मुझ पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया था तब सिर्फ उसी इंसान ने मुझ पर ट्रस्ट किया था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का नाम गोपी बन रहा। बहुत अच्छा विचार है। तो कहो गोपी,
तुम क्या नाम रखोगी इस बिटिया का? मैं बताती हूँ गोपी बहन, मेरी बेटी का नाम क्या रखना चाहती है मैं जानती हूँ। पंडित जी, मेरी बेटी का नाम राशि होगा। गोपी बहन, आप यही चाहती थी ना कि मेरी बेटी का नाम राशि हो? ये लो, मेरी मुसीबत बढ़ाने ये राशि फिर से आ गई। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।